दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार ने साल 2021 के अंत तक देश के सभी नागरिकों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार घरेलू टीकों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज दावा किया कि 18 साल से ऊपर की आबादी का वैक्सीनेशन साल के अंत तक कराने की तैयारी है। रेड्डी ने कहा कि टीका महाअभियान को संपन्न कराने 250 करोड़ वैक्सीन के उत्पादन का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना को लेकर मोदी सरकार बड़ी छूट देने की तैयारी में है, जिससे इन दोनों वैक्सीन के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल से जुड़े किसी भी दावे से कानूनी सुरक्षा की मांग को लेकर चल रही खिंचतान भी अब खत्म हो गई है। सूत्रों की माने तो सरकार इस बात पर राजी हो गई है कि साइड इफेक्ट पर कंपनी को जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोध में यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि mRNA तकनीक पर आधारित दोनों ही कोरोना वैक्सीन म्यूटेशन के खतरे के बावजूद भारत में मिले कोरोना वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन को खत्म करने में सक्षम है। भारत ने डोमिनिका की जेल में बंद 1350 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए कोशिशें तेज कर दी है। चौकसी के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों की 6 सदस्यीय टीम डोमिनिका पहुंच गई है। कैरेबियाई सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर टीम उसे भारत लाएगी। जांच एजेंसी टीम का नेतृत्व CBI अधिकारी शारदा राउत कर रही हैं। बता दें कि 2018 से ही मेहुल चौकसी एंटीगुआ में रह रहा था। 23 मई को वह रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपी के अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे निशाने पर आए CM योगी आदित्यनाथ ने आबकारी आयुक्त P गुरुप्रसाद को हटाकर उनकी जगह प्रतिनियुक्ति से लौटे रिगजियान सैम्फिल की नियुक्ति कर दी है। वहीं अलीगढ़ के CEO गभाना कर्मवीर सिंह और 8 सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया गया है। खैर के CEO शिवप्रताप सिंह और CO City 3 विशाल चौधरी से घटना के संदर्भ में 3 दिनों के भीतर खुलासा देने को कहा गया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि शराब कांड में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 2 साल पुराने हनी ट्रैप केस में मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ से आज SIT की टीम ने पूछताछ की। दरअसल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कमलनाथ को नोटिस जारी कर कथित पेन ड्राइव जमा करने की अपील की थी। असल में मध्य प्रदेश की कुछ महिलाओं ने अधिकारियों और राजनेताओं को फंसाकर उनकी CD बना ली थी, जिसके बाद हनी ट्रैप का यह मामला उजागर हुआ था। इसमें उमंग सिंगार की गिरफ्तारी के बाद कमलनाथ ने कहा था कि उमंग सिंगार को तंग किया गया तो उनके पास भी हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है। इस पर SIT ने नोटिस भेजकर कमलनाथ से पेन ड्राइव की मांग की थी। हालांकि पूछताछ में कमलनाथ ने हनी ट्रैप की पेन ड्राइव होने से इनकार कर दिया था। कोरोना के चलते CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कल PM मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इसे रद्द करने की जानकारी दी। PM ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना के बीच छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए उनकी शिक्षा के लिए वैकल्पिक उपायों के साथ परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। कई राज्यों ने मोदी सरकार के इस फैसले पर धन्यवाद दिया है। गुजरात और मध्य प्रदेश ने CBSE के फैसले के तुरंत बाद स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर सकती है। CBSE एग्जाम रद्द होते ही मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार ने अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की संभावना है। केंद्रीय बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद इसकी संभावना और भी बढ़ गई है। असल में महाराष्ट्र सरकार 10वीं बोर्ड की परीक्षा पहले ही रद्द कर चुकी है, जबकि 12वीं के एग्जाम को लेकर विशेषज्ञों से विचार विमर्श चल रहा है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 12वीं की परीक्षा पर जल्द फैसला लिया जाएगा। भारत में मोबाइल 5G वायरलेस नेटवर्क के ट्रायल पर विवाद शुरू हो गया। फिल्म अभिनेत्री और पर्यावरण प्रेमी जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क को खतरनाक बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रोक लगाने की मांग की है। एक्ट्रेस जूही चावला की दलील है कि 5G वायरलेस नेटवर्क से भारी रेडिएशन फैलता है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। दिल्ली हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान अभिनेत्री द्वारा शेयर किए गए वेबलिंक पर कई लोगों ने उनके ही गीत गाकर चिढ़ाने की कोशिश की, जिन्हें बाद में रिमूव कर दिया गया। असल में भारत में 5G नेटवर्क का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है।
एंटीलिया केस में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील माने पर बड़ी गाज गिरी है। सरकार ने मुंबई के एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड में मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील माने को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले 3 पुलिस अधिकारियों को विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दी, जिसमें माने को एनआईए ने एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। घटना के समय पुलिस निरीक्षक सुनील माने कांदीवली में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा इकाई का नेतृत्व कर रहा था। इससे पहले माने से महाराष्ट्र एटीएस ने भी पूछताछ की थी, जो मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की जांच कर रही थी। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आज नवंबर मनपा चुनाव को आगे बढ़ाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया। नवंबर कांग्रेस के नवीनीकृत कार्यालय का उद्घाटन करने आए नाना पटोले ने कहा कि फडणवीस के कारण ही आज कई मनपाओं में चुनाव की बजाय प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है। नाना पटोले ने गणेश नाइक का नाम लिए बिना कहा कि नवंबर में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इससे जनता कांग्रेस की सत्ता चाहती है। उन्होंने दावा किया कि मनपा की सभी 111 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और अपना महापौर भी बनाएगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आज कोरोना के कारण जान गंवाने वाले नवंबर के कांग्रेस कार्यकर्ता के परिजनों को आर्थिक सहायता सुपुर्द की। वार्ड अध्यक्ष को यह आर्थिक सहायता इंटक जिलाध्यक्ष रविंद्र सावंत की ओर से उपलब्ध कराई गई है। नाना पटोले ने कार्यकर्ता की पत्नी को धनादेश सौंपते हुए कांग्रेस पदाधिकारी सावंत की सराहना की। पटोले ने आज नवंबर के कई कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात की और संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की। आज के बुलेटिन खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन मुंबई नवंबर समेत महाराष्ट्र और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।